नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। पेश है प्रमुख खबरें। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी संयोजक पद से इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी में सुलह की कोशिशें तेज हो गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया है। केजरीवाल ने इस संबंध में नेशनल एग्जीक्यूटिव को लिखे पत्र में कहा है कि एक साथ दो पद निभाना मुश्किल है, अब मैं सिर्फ दिल्ली पर ध्यान लगाना चाहता हूं। दूसरी तरफ आपके वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि आप पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है। गेल के फॉर्म ने बढ़ाई कप्तान धोनी की चिंता। वेस्टइंडीज के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले विश्व कप मुकाबले की तैयारी कर रही भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि जब एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसी क्षमता वाले बल्लेबाज लय में होते हैं तो गेंदबाज या कप्तान अधिक कुछ नहीं कर सकते। धोनी से जब गेल डिविलियर्स और ब्रैंडन मैकुलम जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ सर्वश्रेष्ठ योजना यही है कि कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो अगर कोई खिलाड़ी छक्के जड़ रहा है तो आप इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप इसके लिए क्षेत्र रक्षण भी नहीं सजा सकते। कोहली मामले पर अनुराग ठाकुर ने कहा अपशब्द गलतफहमी का नतीजा। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा कि विराट कोहली का पर्थ में पत्रकारों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना गलतफहमी का नतीजा था। इस मुद्दे को तुरंत खत्म कर देना चाहिए जिससे कि टीम विश्व कप पर ध्यान केंद्रित कर सके। घटना के बारे में पूछने पर ठाकुर ने कहा कि कोहली इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं, हालांकि मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जाना चाहिए। मैंने अब तक खिलाड़ियों से बात नहीं की है, वहां टीम प्रबंधन मौजूद है जो खिलाड़ियों की जरूरतों का ध्यान रख रहा है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से 286 व्यक्तियों की मौत। राजस्थान में गत 24 घंटे के दौरान स्वाइन फ्लू से 9 और लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे प्रदेश में इस साल स्वाइन फ्लू से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 286 हो गई। प्रदेश में अब तक 15,734 लोगों की जांच की गई, जिनमें 5,782 लोग इस रोग से संक्रमित पाए गए। स्वाइन फ्लू से सबसे अधिक राजधानी जयपुर में 57 लोगों की मौत हुई है। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। नमस्कार।